कबूतर बैठा हुआ है, देखते हैं लगता है या नहीं। यार ये लग गया, ये आप देखते हैं यार है सीधा, ओहो जाके इसमें गिर गया। अब क्या कर सकते हैं आप, देखा आपको दिखा सकते हैं, ये रहा ये गिरी हुई है ये। अब ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, आगे से सूरज भी है उसकी वजह से मार चाहता हूँ, अगर जूम करूँगा तो ये मार रहा है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। ओह गिर गया, यहाँ पर हमने मारा, ये गिरी हुई है, ये अली भाई उठा रहे हैं इसको। ओह उठाया, और ये देख सकते हैं आप भाई, इसको जल्दी ज़बा करो, तकलीफ़ नहीं दो, व्यूअर्स वालों ने देख लिया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में एयर गन है, आज हम निकले हैं शिकार पे, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा ये वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। तो आज हम शिकार की तरफ रवाना हैं, तो देखते हैं कबूतर कितने मारते हैं और गुगी कितने मारते हैं। हमारे साथ है अली भाई जो यही शिकार करेंगे, और मैं कैमरा मैन हूँ दोस्तों, ये आज मेरा कैमरा मैन है, तो चलते हैं शिकार की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये भाई अली भाई इसको छरा लगाया एयरगन को, और ये एयरगन का प्रेशर भी थोड़ा सा कम है, देखते हैं लगता है या नहीं। मैं इस तरह इस वक्त बहुत दूर हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, वो आप देख सकते हैं सीधा सीधा रोड पे। अरे यार उड़ गई, एक कबूतर बैठा हुआ है, आप देखते हैं देख सकते हैं टंकी पे सफ़ेद कबूतर हैं, तो ये भाई को तंग कर रहे हैं दो बच्चे, वो उनके पास रबड़ है, तो इसको जूम करते हैं देखते हैं। ओहो नहीं लगा भाई, अभी तक उधर बैठा हुआ है अली भाई, अभी तक उधर बैठा हुआ है, आगे चला गया मगर लगा नहीं यार भाई। एक हमारा जो उनसे एक कबूतर नहीं लगा यार, मैंने आपको शुरू में कहा कि जो हमारा एयरगन है इसमें थोड़ा सा प्रेशर कम है, और ये कबूतर आप देख सकते हैं, तो चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये कबूतर बैठा हुआ है, अली भाई ट्राई कर रहे हैं, ओहो लग रहा ही नहीं है भाई, अली भाई का पता, अली भाई जा रहे हैं, दो छर्रे मारे हैं नहीं लगे यार। एक सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ था टंकी पर मगर उसे नहीं लगा, अभी यहाँ पर गुगी बैठे हुए हैं, अभी उनके लिए ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं यार। मैं थोड़ा सा दूर दूर इसलिए हूँ कि अगर मैं आगे जाऊँगा दोनों साथ जाएंगे तो वो गुगी उड़ जाएगा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं आपसे, मगर हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपको जो मिले सीधा मिले। अब वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, अली भाई ट्राई कर रहे हैं। हाँ अली भाई लगा यार, ये तीसरा छर्रा इसने मिस किया, लग रहा है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। अभी देखते हैं एक और बैठ गई है, अब ये चढ़ रहा है, अभी ये वो छर्रा लगा रहा है अभी एयरगन को, देखते हैं आगे जाके थोड़ा सा अभी इस बात करीब जाएं, ताकि आप भी देख सकें क्या मार रहे हैं ये भाई अले। ये अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, आगे से सूरज भी है उसकी वजह से मारना चाहता हूँ, अगर जूम करूँगा तो ये मार रहा है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। ओह गिर गया, यहाँ पर हमने मारा, ये अली भाई एक लग गया, तीन चौथे छर्रे पे एक लग गया, आप देख सकते हैं वाटर के अंदर गिरी हुई है, ये अली भाई उठा रहे हैं इसको। ओह उठाया, और ये देख सकते हैं आप भाई, इसको जल्दी ज़बा करो, तकलीफ़ नहीं दो, व्यूअर्स वालों ने देख लिया। अभी इसको हलाल कर रहे हैं माशाल्लाह, छुरी से करते हैं अभी भाई, ये हमारा एयरगन है अली भाई, एयरगन को ऐसे नहीं फेंका करो, इज्जत से रखा करो, ये ज़ेबा करके ले कर रहे। तो एक गुगी हमने मारा, ये देखें अली भाई ने मारा है, अभी वो पीछे जा रहे हैं अली भाई, तो चलते हैं उसकी तरफ, क्या पता वहाँ पर हो तो आपको दिखाएं। पांच छर्रे मारे आपने, एक मारा है क्यों, इसका वजह क्या है, एयरगन सही नहीं है आपका या निशान सही नहीं है? नहीं दोस्तों, ये बहुत दिनों के बाद आज क्योंकि शिकार पर निकले, तो पहला स्टार्टिंग ही हमने शिकार से किया, तो पहले अपना निशान चेक भी नहीं किया, इस वजह से थोड़ा इधर उधर है भैया। पहले आप ऐसे करें कि अपना नशा वो निशान चेक करें, एक पत्थर रख कर उस पर ट्राई करें, आप इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अच्छा भैया आगे देखते हैं, ये तीन तो मिस हो गए, तीन चार चार मिस हो गए भैया, चार मिस, एक ही लग गया है। हाँ एक ही है जो हमारे हाथ में,
देखते हैं आगे इंशाल्लाह। भाई पीछे जो मेरा आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से एकदम वो है गन्ना है, इसको पानी दिया हुआ है, क्या खूबसूरत नज़ारा है आप पीछे देख सकते हैं। आपको ये भी दिखाएं, यहाँ पर हम आसपास अपना अपना गाँव हैं, घर हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। और इस तरफ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा मिल है, कबूतर बैठा हुआ है रोड पे, या नीचे जो बैठते हैं ना उनको मारना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे ना अगर ऊपर तार पार तार पे बैठे होते हैं ना तो उनका चांस है गिरने का। तो देखते हैं सीधा, यार ये भी उड़ गया कबूतर, कबूतर बैठा हुआ है रोड पे, या नीचे जो बैठते हैं ना उनको मारना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे ना अगर ऊपर तार पार तार पे बैठे होते हैं ना तो उनका चांस है गिरने का। तो देखते हैं सीधा, यार ये भी उड़ गया कबूतर, टंकी पे कबूतर बैठे हुआ बैठा हुआ जो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। देखते हैं यार ये मिस हो गए, इस तरफ भी दो बैठे हुए हैं, वहाँ पर मारा तो नहीं लगा, अभी इस तरफ आप देख सकते हैं दो बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा इसका जाना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है क्या। अरे यार ये भी आप देख सकते हैं उड़ गया, चलो कबूतर उड़ गया, मगर आपको एक और नज़ारा दिखते हैं दिखाते हैं। ये देखते हैं मिल एरिया है जो माशाल्लाह बड़े बड़े बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पर शिकार करना बहुत ही आसान भी है और बहुत मुश्किल है। बहुत आसान का वजह ये है कि यहाँ पर चुगने के लिए आते हैं ददाना माना खाने के लिए, और मुश्किल इसलिए क्योंकि यार यहाँ पर अगर हम कोई कबूतर मारते हैं तो सोच समझ के हमें वो कबूतर मारे तो हमें वो मिल जाए, अगर वो हमें नहीं मिल जाएगा तो यार गुनाह भी है और कबूतर ज़ाया भी हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कार पे आए, मगर थोड़ा सा गलत टाइम पे आए, क्योंकि इनका टाइम होता है तकरीबन 3 बजे अक्सर बैठते हैं। अभी सारे कबूतर चले गए अपने घोंसलों में, पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी जगहों में, इतने ज़्यादा कबूतर नहीं है इसलिए थोड़ा सा हमें भी परेशानी हो रही है और हमें कबूतर भी नहीं मिल रहा यार। दोस्तों एक टाइम था हम तकरीबन 15-15, 20-20 जो है ना कबूतर मार के आते थे, और यही एयरगन से तकरीबन इसको मेरे ख्याल में 2018 में लिया था, ये 2023 चल रहा है, तो आप सोचे कितना पुराना फिर भी। और एयरगन तकरीबन 1 साल चलते हैं, और हमने अभी भी इसका जुगाड़ किया, देखा जुगाड़ देखें, ये अभी इसका जुगाड़ किया है, ये करीब ला, ये देखें पता नहीं क्या इसको करीब करके पता नहीं क्या किया इन्होंने। तो ये अपना पाकिस्तानी आपको पता है वैसे ही इन चीज़ों में माहिर होते हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी 3-4 साल और चलाएंगे इंशाल्लाह। वैसे ये एयरगन इतने चलते नहीं है, तो ये एयरगन है माशाल्लाह, अगर किसी भाई को लेना हुआ तो मेरे ख्याल से यही एयरगन ले लें। देखिए ये फाइबर का है माशाल्लाह बहुत अच्छा, कबूतर बैठा हुआ है, देखते हैं लगता है या नहीं, यार ये लग गया, ये आप देखते हैं ये आ रहा है सीधा, ओहो जाके इसमें गिर गया, अब क्या कर सकते हैं आप देखा, आपको दिखा सकते हैं ये रहा ये गिरी हुई है। तो दोस्तों भाई को बताया था इंशाल्लाह इसको गिराऊंगा, तो ये लग के डारे किसके अंदर आ गया, अभी कैसे निकाले यार। और आप देख सकते हैं यहाँ से रोशनी आ रहे हैं, यार ये अंदर तड़प रहा है, इसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है भाई, जल्दी कर सकते हैं कैसे निकाले इसको, ये आप देख सकते हैं ये नीचे गिर गया है, यार थोड़ा सा तकलीफ़ में भी है। एक बड़ा सा लकड़ी उठा वहाँ पर, अली भाई लकड़ी लेके आ रहे हैं, अभी देखते हैं, और ये तड़प रहा है इसे निकालने के लिए, अरे उस तरफ चला गया, खैर उस तरफ तो आसानी होगी इसके लिए। मनी हेलो हाँ, ये भागने की कोशिश कर रहे, इसको तकलीफ हो रहा है, हम उसकी तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या करें हाथ में नहीं आ रहा, ये बड़ा मुश्किल दे रहे हैं। अब पकड़ा अभी ये ऊपर इसको ले आ रहे हैं, नहीं आई,
ये इसको ऊपर ले जा रहे हैं, वो पकड़ लिया। ये आप देख सकते हैं इसके हाथ में। अब इसको सफा करेगा। तो ये हमारा आज का शिकार का शिकार किए थे, बहुत सालन बना रहे यार, हम भूल गए उस टाइम, थोड़ा बहुत वीडियो नहीं बनाया अभी जो तैयार होने वाला है, तो चलें उसका भी आपको दिखाते हैं। वो हमने बुग्गी और कबूतर मारे थे, अभी उसका थोड़ा सा सालन बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है भैया, इधर लेके आए इसके गोश्त दिखाओ भाई। इस तरह के गोश्त होते हैं माशाल्लाह, देसी और खूबसूरत, आप देख सकते हैं। अभी तक उसके अभी तक इनकी चीज़ें अभी तक नहीं डली हुई, इसलिए शायद अभी तक ये तैयार नहीं हुई है, और तैयार होगा इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लजीज होगा। ये हमारा शिकार तैयार हो रहा है भाई, तैयार कर रहा है माशाल्लाह बहुत। इसका जो है ना सालन बहुत टेस्टी होता है माशाल्लाह। दोस्तों ये हमारा जो है ना आज का सालन बिल्कुल परफेक्ट तैयार। तो ये मेरा भाई ही खोल रहा है, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह भैया, ये हमारा गरीबों का सालन ऐसा माशाल्लाह जबरदस्त, यकीन कर भाई जल्दी कर यार, अभी सबर नहीं हो रहा है। बस भाई अभी एक मिनट, इतना सबर कर करके अभी बस, आपको पता है आखिरी टाइम पे बता क्या महसूस होता है वो आप लोगों को वैसे ही पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये आपको दिखाते हैं, ये हमारा तो फिलहाल ठीक है, ये देखें हमारा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, तो कमेंट ज़रूर करना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।